अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। इसमें हमें आज पढ़ना है लेक्चर नंबर 42, चैप्टर नंबर 6, एक्सरसाइज 6.1 अलजबरा। टॉपिक है हमारा सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सीक्वेंसेस एंड सीरीज के अंदर हम पहली सीक्वेंस पढ़ेंगे। तो पहली सीक्वेंस हमारे पास है यहाँ पर, सीक्वेंस पहली मैं लिख बता देता हूँ आपको कौन सी है हमारे पास। ये है अर्थमेटिक सीक्वेंस, और इसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन आप याद रखिएगा। डेफिनेशन इसकी ये है, अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज फॉर्म्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द वन प्रीसीडिंग इट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक सीक्वेंस और डिनोटेड बाय ए पी। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन ए पी। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज स्मॉल ए एंड द कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी, देन बाय डेफिनेशन टी वन फर्स्ट टर्म स्मॉल ए के इक्वल है और ए प्लस वन माइनस वन डी के बराबर है। टी टू बराबर है सेकेंड टर्म ए प्लस डी और ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी। तीसरी टर्म है टी थ्री थर्ड टर्म ए प्लस टू डी और ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी। चौथी टर्म है फोर टी फोर फोर्थ टर्म ए प्लस थ्री डी और ए प्लस फोर माइनस वन इंटू डी एंड सो ऑन। फाइनली टी एन इज द लास्ट टर्म एन एथ टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हमारे पास सीक्वेंसेस हो गई। अब एक्सरसाइज के हम जो सवाल करेंगे वो है पहला सवाल 6.1 का। पहला सवाल ये है कि फाइंड द एन एथ टर्म। एन एथ टर्म है इसकी सीक्वेंस दी हुई है 2, 4, 6, और भी पार्ट ऐसे ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म। ये इसका रिवर्स है, इसमें एन एथ टर्म दी हुई है आपको जो है टर्म्स मालूम करनी, इसमें टर्म दी है एन एथ टर्म निकालनी है। तीसरा सवाल है फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कॉमन डिफरेंस का तरीका बताऊंगा, इंडिकेटेड का मतलब एट्थ टर्म निकालनी है आपको। बाकी सवाल भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये टर्म्स बताई हुई है टी एन ए डी और एन जो है यूजुअल मीनिंग है, और उसके बाद जो है टी एन यानी कि लास्ट टर्म मालूम करनी है। फर्स्ट टर्म दी हुई है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, एन नंबर ऑफ टर्म दिए हुई है आपके पास। सेकेंड पार्ट में एन मालूम करना है, थर्ड पार्ट में कॉमन डिफरेंस निकालना है, फोर्थ पार्ट में फर्स्ट टर्म निकालनी है। एक सवाल हम और करेंगे इसमें एट्थ, इसमें कह रहे हैं कि 83 जो है इज अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस की टर्म जो है 83 है या नहीं है ये आपको पता लगाना है, ठीक है। अब मुगल अकेडमी की जानब से खुशामदीद, सवालात मैंने यहाँ कुछ लिखे हुए हैं, अब इनको हम करते हैं सॉल्व। तो पहला सवाल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस एंड सो ऑन। तो अब इसमें तरीक़ेकार देखें क्या है हमारे पास। हमने इसमें लिखा ये सीक्वेंस 2, 4, 6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्यूशन में ए जो है ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी 2 के बराबर। कॉमन डिफरेंस का तरीका ये होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। उसके बाद जो है हमारे पास इससे आगे एन की जगह एन लिखेंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म जो है एन है और ये फार्मूला आ गया टी एन का ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और फिर उसके बाद फार्मूला में वैल्यू पुट कर दें, ए की जगह 2 आ जाएगा, डी की जगह 2 आ जाएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा दोनों से, 2 इससे भी होगा इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कट जाएगा प्लस माइनस में और ये टी एन की वैल्यू आ गई 2n। अब हम आगे करते हैं हल इसको। अब मैं इसका कराता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2, बल्कि क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, 2 बाद में करते हैं हम। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द, ठीक है, इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए पी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये पहला पार्ट लिख दिया हमने 4, 9, 14 और 19 और 8th टर्म आपको रिक्वायर्ड है इसमें। अब हमने यहाँ लिख दिया है ए की जगह 4, ये फर्स्ट टर्म हो गई। कॉमन डिफरेंस डी होता है, इसका तरीका ये है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 9 - 4 = 5 आ जाएगा। और फिर इसके बाद जो है अब हम करते हैं आगे,
ये हमने इसमें से एट्थ टर्म यानी कि इंडिकेटेड टर्म एट थी, ये हमें रिक्वायर्ड है। फिर फार्मूला हमने लिखा इसमें टी एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन और डी, और इसमें वैल्यू पुट कर दें, ए की जगह 4 आ जाएगा, एन की जगह 8 आ गया, 5 आ गया, ये माइनस करेंगे 7 बचेगा, 8 में से 1 गया, 7 फाइव था 35, मैं 4 प्लस कर दें 39 आ गया, ये जवाब हो गया आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड इसमें करना है पहले पार्ट में टी एन, ए की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू 6 है, एन की वैल्यू 9 है। अब फार्मूला हम लिखेंगे इसमें, बहुत सिंपल मेथड है इसका। फार्मूला हमने लिखा है इधर टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, अब इसमें वैल्यू पुट कर दें आप, ए की जगह 3 आ गया, एन की जगह 9 आ गया, डी की जगह 6 आ गया, इसको माइनस कर दें 8 आ गया, 8 6 हो जाएगा 48 में 3 प्लस कर दें 51 आ गया। अब हम करते हैं इसे आगे, अब मैं आपको आगे बताता हूँ इसका, हम करते हैं सेकेंड पार्ट। ये पहला पार्ट था, सेकेंड पार्ट में हमें वैल्यू दी हुई है, चौथे सवाल का सेकेंड पार्ट है ये। तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास है एन फाइंड आउट करना, ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू माइनस 4 है और टी एन है माइनस 97। हमने फार्मूला लिख दिया सर, अब फार्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, टी एन की वैल्यू, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू, अब इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 दोनों से, फिर ये प्लस कर, ये हम 4n को इधर ले आते हैं, 97 को इधर ले आते हैं, ये 7 और 4 11 हो गया, इसको मजीद प्लस कर देते हैं 108 आ गया, 108 को 4 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास 27 आ गया। अब हम करते हैं आगे, तब आगे हम करते हैं इसमें, अब आगे जो है हमारे पास है इसका तीसरा पार्ट हमारे पास है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट। ये कह रहे हैं इसमें डी मालूम करना है, व्हेन ए इक्वल टू माइनस 8, टी एन इक्वल टू 8, एन की वैल्यू 5 है। अब हमने इसमें फार्मूला लिख दिया था, फार्मूले के अंदर अब आपने वैल्यू पुट करनी है, टी एन की वैल्यू 8 आ गई हमारे पास और ए की जगह माइनस 8, एन की जगह 5, डी की जगह डी रहेगा, अब ये माइनस हो जाएगा 4 हो जाएगा, 8 को उधर लेके आएगा, 8 और 8 16 हो गया, 4 इससे नीचे आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे 4 आ जाएगा जवाब, 16 डिवाइड बाय 4 4 आ गया। अब हम करते हैं इसका चौथा पार्ट क्वेश्चन है, ए मालूम करना है इसमें, व्हेन ए डी की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 12 है, टी एन की वैल्यू 26 है। फार्मूला हमने लिख दिया था, फार्मूले के अंदर टी एन की वैल्यू आ गई, ए की जगह ए रहेगा, एन की जगह 12 और 3 आ गया, माइनस कर दिया 11 हो गया, 11 3 हो जाएगा 33 को इधर लेके आएंगे, माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 माइनस का, अब ये हो गया हमारे पास। अब इसके अंदर आठवां सवाल जो है कह रहे हैं कि इज 83 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, 83 सीक्वेंस की टर्म है, आप क्या करें, पहला नंबर ए हो गया, डी का तरीका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, टी एन की वैल्यू हमने सपोज कर ली 83 है, एन हमें रिक्वायर्ड होगा, अगर एन का जवाब हमारा पॉइंट में आता है तो ये नॉट अ सीक्वेंस, 83 इज अ नॉट अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, और अगर होल नंबर में आया तो ये टर्म है इसकी। अब इसमें फार्मूला हमने लिखा, इसमें 83 आ गया, ए की जगह 1 आ गया, डी की जगह 3 आ गया, 3 मल्टीप्लाई हो गया, ये दोनों टर्म इधर आके ये प्लस हो गई, ये माइनस हो गई, ये आ गया 85, 3 से डिवाइड कर देंगे तो जवाब इसका पॉइंट में आ रहा है, तो पॉइंट में आने की वजह से हम लिख देंगे 83, हेंस 83 इज नॉट अ टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेस। तो ये तरीका है इसके हल करने का। अब मैं आपको बताता हूँ इससे आगे, अब ये एक सवाल बीच में रह गया था, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब ये टी एन दिया हुआ, इसको फर्स्ट कर लेते हैं हम, ठीक है, टी एन के बराबर 2 की पावर एन माइनस 1, अब एन की जगह 1 लिखेंगे हम, जहां जहां एन आ रहा है वहां 1 आ गया, माइनस कर दें इसको 1 आ गया, यहां एन की जगह 2 लिखा हमने, 2 के ऊपर 2 पावर 4 हो जाएगा, माइनस 1 कर देंगे 3 आ जाएगा, फिर ये 3 लिखा हमने था, 3 आ गया, 8 आ जाएगा, 8 में से बन जाएगा 7, 8 हमारे पास जवाब आ गया 137। तो आप मुझे बताइएगा आप ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है, ये मोबाइल एकेडमी को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, एक एक वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अल्लाह नगेबान।